केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्र सभी मिलकर श्री मंदिर पहुंचे और श्री जगन्नाथ प्रभु जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री मंदिर परिसर में श्री जगन्नाथ प्रभु जी के अंग लागी सेवक मधुसूदन सिंघारी ने श्री मंदिर परिसर में सभी का स्वागत किया और तत्पश्चात पुरी रेलवे स्टेशन पहुंचकर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सारी तैयारी का जायजा लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रेल मंत्री अश्विन वैष्णव, संबित पात्र, ब्रह्मागिरी विधायक, पुरी विधायक जयंत कुमार सारंगी सभी ने मिलकर महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल का स्वागत किया। महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, दोनों केंद्रीय मंत्री, दोनों विधायक, अन्य वरिष्ठ नेता वंदे भारत एक्सप्रेस में दिखाई दिए। ईस्ट कोस्ट रेलवे के GM, DRM, अन्य वरिष्ठ अधिकारी सभी ने कार्यक्रम को बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, पुरी और ब्रह्मागिरी विधायक, GM रेलवे, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्र सभी ने अपने अपने वक्तव्य और विचारों को सभी के समक्ष रखा। अंत में ओडिशा के मुख्यमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी को इस अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि सरकार हर संभव प्रयास करती आई है, ओडिशा प्रगतिशील राज्यों में से एक है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में बहुत बदलाव देखने को मिला है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब जब राज्य को किसी प्रकार की भी सहायता की जरूरत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर संभव मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और भी प्रकल्पों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस में हरी झंडी दिखाए जाने के बाद पुरी रेलवे स्टेशन पर मौजूद महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वंदे भारत एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 8 से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयुष मोहपात्रा द्वारा निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का एक चित्र मंच पर मौजूद महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पुरी विधायक जयंत कुमार सारंगी और ब्रह्मागिरी विधायक को भेंट किया गया। महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी कार्य को करने का प्राण लिया उसे समय के रहते पूरा किया है। दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए ओडिशा के पुरी जिले से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। वर्ल्ड क्लास महाप्रभु जगन्नाथ की इस अति पवित्र भूमि से आज 4.5 करोड़ उड़ियाओं का जो स्वप्न है वंदे भारत ट्रेन, वो आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्लैग ऑफ करेंगे पुरी से हावड़ा के लिए। बहुत ही शुभ दिन है। 8,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट करेंगे। उड़ीसा के पूरे नेटवर्क को वर्ल्ड क्लास बनाना है। धन्यवाद। Dominance authority, hierarchy, barriers, bondages, borders, banners, boundaries, इसमें सब खत्म हो जाता है और इसलिए हम कह सकते हैं कि कहीं से भी चले, ये वंदे भारत जैसे उड़ीसा से चली है, सो एवरी ट्रेन इज मेंट फॉर इज बाउंड टू प्रभु जगन्नाथ। चाहे वो कहीं से भी चलाएं, विश्व में भी कहीं चले जापान में, उसका गंतव्य स्थान, अल्टीमेट उसका डेस्टिनेशन अगर कहीं है तो वो जगह है। जी सर, आप ओडिशा में मोहब्बत में गाए जाते हैं, उनके स्वरों को तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए ये ट्रेन जो है ये मोहब्बत का नगमा है। ट्रेन जो है मोहब्बत का नगमा है, संगीत है, गीत है, समझ गए, गीत है, मनमीत है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, लोग इसको तोड़ने की कोशिश मत करें, नहीं समझे। इसलिए ट्रेन वास्तव के अंदर एवरी जर्नी इट इज लीडिंग मी टू लास्ट फ्रॉम वेयर आई हैव कम, जहाँ से मैं आता हूँ वहीं ट्रेन पे जाता हूँ। सर, आप राज्यपाल दायित्व लेने से उड़ीसा वासी के लिए दिल जीता है तो जय जगन्नाथ। अजी मे मास
18 तारीख गुरुवार आज गोटे पवित्र दिन ओडिशा पाई भी शुभ अवसर आनी दौर आज दिन खूब कम समय परे एकविंश शताब्दीर विश्वरे भारत को परिचय तयारी करथिबा वंदे भारत ट्रेन माननीय प्रधानमंत्री झंडा उत्तोलन परे खूब शीघ्र एटु आरंभ हबो। आज विश्व स्तर रेल समीक्षक माने बड़ उत्साह से अपेक्षा करछनी वंदे भारत ट्रेन रो परफॉर्मेंस को। आम राज्य भी आज जोड़ी हबो केवल वंदे भारत नुहे बहु प्राचीन शहर पुरी रो रेल स्टेशन रो नवीकरण काम भी एठी आज आरंभ हबो। कटक रेल स्टेशन रो नवीकरण काम भी आरंभ हबो। अनेक गुड़िए नुआ लाइन दोहरा लाइन तीनी थाकिया लाइन तथा राज्यर 100% रेल लाइन रो विद्युतीकरण मोट 8,000 कोटी टंकार प्रकल्प आज रेल विभाग तरफ प्रधानमंत्री कर कमल लोकार्पित हबो शुभारंभ हबो शुभ उद्घाटन हबो। मुझे माननीय प्रधानमंत्री पक्षे ओडिशा तरफ कृतज्ञता जनईमि तांको पूर्वोदय कल्पना यही बड़दाण्डर प्रांगण 2013 मसीहार साक्षी अच्छी 2016 मसीहार साक्षी अच्छी प्रधानमंत्री को जो भाई भाव आज यही धन्यवाद देवी रेल विभाग नरेन्द्र मोदी समय विगत 9 वर्ष 52,000 कोटी टंका प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी सबुदे रेलवे तंत्र को सुधार कोटी टंका तार काम ଆରମ୍ଭ